अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिस डिवाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है वाइब्रो पेन। और ये SKF का वाइब्रो पेन है और इसका मेन फंक्शन है हमारी वाइब्रेशन एनालिसिस। हम इससे वाइब्रेशन मेजरमेंट्स कर सकते हैं और ये बहुत इजी है। ये इसका पावर बटन है, इसमें आप देख सकते हैं दो रीडिंग्स हैं, एक mm पर सेकेंड में है, ये हमारी वाइब्रेशन वैल्यू है, और जो नीचे वाली रीडिंग होगी वो GE एक्सेलरेशन एनवेलपिंग बोलते हैं इसको। तो हम इसकी एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे और देखेंगे कि वाइब्रेशन को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो अभी हम एक प्रोसेस फैन के नॉन ड्राइव बेयरिंग की वाइब्रेशंस लेंगे और हम 3 पॉइंट्स पे लेंगे वाइब्रेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन कि उसकी वैल्यू और उसकी एक्सेलरेशन क्या आती है। तो ये देखें, सबसे पहले हमने हॉरिजॉन्टल में लिए और हमने ये भी मेक श्योर करना है कि जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्टेबल हो, और वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है पॉइंट। तो देखें 2.1 हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन है और 1.7 एक्सेलरेशन है। ये हम अब एक्सियल डायरेक्शन में ले रहे हैं। एक्सियल वाइब्रेशन यूजली मिस अलाइनमेंट और बेयरिंग क्लियरेंस को रिप्रेजेंट करती है, और ये हम वर्टिकल ले रहे हैं। वर्टिकल वाइब्रेशन जो होती है वो बेसिकली लूजनेस को रिप्रेजेंट करती है, सॉफ्ट फुट अक्सर होता है। तो ये हमारा वाइब्रेशन सेंसर है CCR से।